हेलो, मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका क्राफ्टलाइन कोर्स के पहले लेसन में। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्राफ्टलाइन इंटरफेस और कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं। अगर आप क्राफ्टलाइन में अच्छा मैप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसका इंटरफेस और कंट्रोल अच्छे से समझने होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कोई भी मैप बनाने के लिए सबसे पहले क्राफ्टलाइन स्टूडियो ओपन करना होगा। आप यहाँ क्राफ्टलाइन के ऑप्शन पर टैप करके क्राफ्टलाइन पेज को ओपन कर सकते हो। क्राफ्टलाइन पेज में ऊपर आपको स्टूडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे ओपन कर लेते हैं। बाईं तरफ मैप के कुछ खाली स्लॉट मिलेंगे, हम इन्हीं में अपने मैप्स को बनाकर पब्लिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम क्राफ्टलाइन में अपना मैप बनाकर खेल सकते हैं। अभी यहाँ मैप नहीं है तो एक खाली स्लॉट को चुनकर क्रिएट अ मैप पर टैप कर देते हैं। बाईं तरफ बहुत से मोड टेम्पलेट हैं जिसे हम चुन सकते हैं। सभी टेम्पलेट में पहले से कुछ रूल होते हैं जिसे हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए पॉइंट्स ग्रैब को चुन लेते हैं। मोड चुन लेने के बाद यहाँ से आप कोई भी एक मैप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं ओरिजिन लैंड ही चुन लेता हूँ। इतना करने के बाद क्रिएट अ मैप पर क्लिक कर देते हैं। अब आपका मैप लोड होगा और आप मैप एडिटर में आ जाओगे। सबसे पहले इस सेव बटन पर टैप करके हम अपने बनाए मैप को सेव कर लेते हैं। मैप को सेव करने के बाद क्विट पर टैप करके बैक आ जाते हैं। अब हमारे चुने हुए स्लॉट में एक मैप बन जाएगा। हम एडिट बटन पर टैप करके कभी भी इस मैप एडिटर को ओपन कर सकते हैं, पर उससे पहले इस पेज को देख लेते हैं। यहाँ पर चुने हुए मैप का डिटेल रहेगा, जैसे मैप नेम, जिसे आप चेंज भी कर सकते हो। नीचे पब्लिश बटन पर टैप करने के बाद आपका मैप पब्लिश हो जाएगा, जिसके बाद आप अपने बनाए मोड को खेल सकोगे। किसी भी क्राफ्टलाइन मोड को हम उसके मैप कोड से खेल सकते हैं। हमारे पब्लिश्ड मोड का मैप कोड नीचे यहाँ पर होता है और इस बटन पर टैप करके हम इस मैप कोड को कॉपी कर सकते हैं। फिर क्राफ्टलाइन के मेन पेज पर आ जाना और यहाँ पर मैप कोड पेस्ट करके सर्च कर देना। अब आप अपने बनाए मैप को स्टार्ट करके खेल सकते हो। अभी हमने बिना एडिट किए मैप को पब्लिश किया है। चलिए अब हम अपने मैप को खेलने लायक बनाते हैं। पहले इस थ्री डॉट पर टैप करके अपने मैप को अनपब्लिश कर देते हैं। एडिट बटन पर टैप करने से हम मैप एडिटर में आ जाएंगे। सबसे पहले हम एडिटर के कंट्रोल को सीख लेते हैं। दाहिने तरफ क्लिक एंड मूव करके हम किसी भी दिशा में देख सकते हैं। बाईं तरफ के जॉयस्टिक का यूज करके हम किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। दाहिने तरफ आपको एक लाइन दिखेगी, इस व्हाइट लाइन का यूज करके हम कैमरा को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को ऐड करना सीखेंगे। इस एक्सपेंड बटन पर टैप करने से ऑब्जेक्ट मेन्यू ओपन होगा। यहाँ हमें सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स के मोड एसेंशियल में आपको एक स्पॉन पॉइंट मिलेगा। स्पॉन पॉइंट का मतलब उस जगह से है जहाँ प्लेयर गेम शुरू होने पर आएगा। ये गेम के हर मोड के लिए जरूरी होता है। इस मैप में दो स्पॉन पॉइंट पहले से लगे हुए हैं, एक टीम 1 के लिए और एक टीम 2 के लिए। चलिए देखते हैं, अगर हम दोनों स्पॉन पॉइंट को हटा देते हैं तो क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए पहले उस ऑब्जेक्ट पर टैप करके उसे सिलेक्ट करना है। अब नीचे ऑब्जेक्ट का टूल बार आ जाएगा। डिलीट बटन पर टैप करके हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। इसी तरह टीम 1 के स्पॉन पॉइंट को भी हटा देते हैं। अब मैप को सेव करने पर एक वार्निंग आएगी, इनसफिशियंट स्पॉन पॉइंट। मैप के सारे एरर हमें आउटपुट लॉग में मिलेंगे। आउटपुट लॉग में आने के लिए इस मोर बटन पर टैप करना। फिर यहाँ पर आउटपुट लॉग का बटन मिल जाएगा, जिस पर टैप करके हम आउटपुट लॉग में आ जाएंगे। सर्च बटन पर टैप करने के बाद मैप में जितने भी एरर हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। अभी एक ही एरर है, इनसफिशियंट स्पॉन पॉइंट। इसका मतलब प्लेयर को मैप में ज्वाइन होने के लिए स्पॉन पॉइंट की कमी है, जिसे ठीक करने के लिए हमें मैप में स्पॉन पॉइंट को ऐड करना होगा। हम ऑब्जेक्ट मेन्यू से स्पॉन पॉइंट को ड्रैग करके मैप में ऐड कर सकते हैं। इसे मूव करने के लिए सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना होगा। अब हम इसे ड्रैग करके मैप में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इसके टूल बार में भी आपको एक मूव का ऑप्शन मिल जाएगा। मूव पर टैप करने से ऑब्जेक्ट में एक्स, वाई और जेड नेम का एरो आ जाएगा। इन एरो की मदद से हम इसे किसी भी एक्सेस पर मूव कर सकते हैं। जैसे रेड एरो एक्स एक्सेस पर मूव करेगा, ब्लू जेड एक्सिस और ग्रीन वाई एक्सेस पर मूव करेगा। एक्सिस मैप के किसी एक पॉइंट या प्लेस के लिए जरूरी होता है, जो फ्यूचर में स्क्रिप्ट बनाते समय काम आएगा। रोटेशन बटन पर टैप करने से स्पॉन पॉइंट के चारों तरफ एक सर्कल बन जाएगा, जिसका यूज करके हम इसे रोटेट कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी बटन पर टैप करने से दाहिने तरफ एक मेन्यू ओपन होगा। यहाँ से हम स्पॉन पॉइंट को एडिट कर सकेंगे। पहले नंबर ऑफ प्लेयर से हम चुन सकते हैं कि इस स्पॉन पॉइंट से कितने प्लेयर गेम में आएंगे। टीम ऑप्शन से हम इस स्पॉन पॉइंट को किसी भी टीम का स्पॉन पॉइंट बना सकते हैं। अभी ये ऑल टीम्स पर है, जिससे इसमें कोई भी टीम स्पॉन कर सकती है। इसे वन करने के बाद सिर्फ टीम वन ही इसमें स्पॉन होगी। अब फिर से इसे चुन लेते हैं। इस कॉपी बटन पर टैप करने के बाद स्पॉन पॉइंट का एक कॉपी बन जाएगा। इसे हम टीम टू का स्पॉन पॉइंट बनाएंगे। इसके लिए प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेते हैं। टीम ऑप्शन में हमें दो सिलेक्ट करना होगा। अब मैप में दोनों टीम्स के लिए स्पॉन पॉइंट्स बन गए हैं, जिसके बाद मैप को सेव करने से कोई वार्निंग नहीं आएगी। चलिए अब हम मैप के कुछ सेटिंग्स को देखते हैं। इस सेटिंग बटन पर टैप करने के बाद दाहिनी तरफ एक मेन्यू ओपन होगा। सबसे पहले एडिट मोड का ऑप्शन है। अभी एडिट मोड सिलेक्ट मोड पर चुना हुआ है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए उस पर टैप करना होता है। इसे क्लासिक करने के बाद स्क्रीन के बीच में एक क्रॉसहेयर आ जाएगा, जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए कन्फर्म बटन पर टैप करना होगा और किसी भी ऑब्जेक्ट को मैप में लाने के लिए बस उस ऑब्जेक्ट पर टैप करना है। एडिट मोड के नीचे कैमरा स्पीड का ऑप्शन है। इसे बढ़ाकर आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो। अब नीचे आ जाते हैं। स्काई ऑप्शन से हम मैप के स्काई को चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसके बाकी ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे। यहाँ टैप करके गेम प्ले सेटिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ से हम गेम के रूल्स को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, जैसे विनिंग स्कोर, नंबर ऑफ राउंड, मैच टाइम। नंबर ऑफ प्लेयर से आप मैप में ज्वाइन करने वाले प्लेयर के नंबर को बदल सकते हो। पहले नंबर ऑफ टीम को चुनना है कि आपके मैप में कितने टीम होंगे। उसके बाद मेंबर पर टीम को चुनना है कि एक टीम में कितने प्लेयर्स होंगे। मैं यहाँ 1 चुनता हूँ, जिससे ये 1v1 हो जाएगा, मतलब दो टीम है और दोनों में एक प्लेयर है। और बाकी के सेटिंग्स को अपने हिसाब से चुन सकते हो, जैसे अनलिमिटेड एमओ एंड ग्लू वॉल। एडिट गेम प्ले रूल्स के इस एरो पर टैप करने के बाद सभी गेम प्ले रूल्स आ जाएंगे। अभी इसमें ग्लिच है, जिससे हम यहां से रूल्स चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेसन में मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इन रूल्स का यूज कर सकोगे। और अगर फ्यूचर में ये सॉल्व हो जाता है तो भी आप इनका यूज कर सकते हो। अब इकोनॉमी टैब में आते हैं। बेसिक सेटिंग्स में भी हमें इकोनॉमी का ऑप्शन मिलेगा, जहां से हम डायरेक्ट इकोनॉमी पेज को ओपन कर सकते हैं। यहां हम स्टोर और क्वाइन को मैनेज करेंगे। सबसे पहले प्लस पर टैप करके आप अपना एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो। इस आइकन पर टैप करने से स्टोर इंटरफेस आएगा, जहां से हम स्टोर में आइटम ऐड करने वाले हैं। प्लस पर टैप करने से नीचे आइटम के ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इनमें से किसी भी आइटम को अपने स्टोर में ऐड कर सकते हो। आपको जितने आइटम की ज़रूरत है उन सबको ऐड कर लेना। दाईं तरफ आपको प्राइस बदलने का भी ऑप्शन मिलेगा, जिससे हम हर आइटम के प्राइस को अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से स्टोर का नेम भी चेंज कर सकते हो। अब फिर से इकोनॉमी टैब में आ जाते हैं। ऊपर गेट क्वाइन के बहुत से ऑप्शंस हैं। जैसे पहले ऑप्शन में हम जितना क्वाइन रखेंगे, मैच शुरू होने पर सभी प्लेयर को उतना ही क्वाइन मिलेगा। उसके बाद एलिमिनेट करने पर कितना क्वाइन मिलेगा और विक्ट्री पर कितना मिलेगा, इसे भी चेंज कर सकते हैं। अब सेटिंग्स को सेव करके बैक आ जाते हैं। अब हम मैप में वेंडिंग मशीन ऐड करेंगे, ताकि प्लेयर गेम में स्टोर ओपन कर सके। हम यहाँ ऑब्जेक्ट को सर्च करके भी खोज सकते हैं। पहले एक वेंडिंग मशीन को टीम वन के स्पॉन पॉइंट के पास लगा देते हैं। आप इसे अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो। अब वेंडिंग मशीन के नीचे जो रेड कलर है वो उसका रेंज है, जिसमें जाने पर हम स्टोर को ओपन कर सकेंगे। रेंज को बढ़ाने के लिए इसके प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से रेंज को बढ़ाने के बाद आपको स्टोर को ओपन करने के लिए वेंडिंग मशीन के ज़्यादा पास नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से हम अपने स्टोर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद इस वेंडिंग मशीन में हमारा स्टोर ओपन होगा। इस बटन पर टैप करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से अपने स्टोर को एडिट कर सकते हो। अब इस स्टोर को कॉपी करके दूसरे साइड भी लगा देते हैं। इतना करने से ये मैप खेलने लायक हो जाएगा। अगर आपको इस मैप में और भी कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो आप ऑब्जेक्ट सेक्शन से ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हो, या यहाँ पर सर्च करके आपको जो चाहिए उसे ले लेना। फिर हम अपने हिसाब से मैप को डिज़ाइन कर सकते हैं।
मैप को पूरा बनाने के बाद आप अपने मैप को टेस्ट भी कर सकते हो। इस प्ले नाउ बटन पर टैप करने से एक मेन्यू आएगा। पहले प्रीव्यू ऑप्शन चुनकर स्टार्ट करते हैं। इससे आप अपने मैप डिज़ाइन को देख सकते हो। अब टेस्ट ऑप्शन को देखते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक करंट मोड और एक स्पॉन पॉइंट मोड। करंट मोड चुनने के बाद आपका मैच उसी जगह से शुरू होगा जहां पर आप एडिट मोड में हो, और स्पॉन पॉइंट चुनने के बाद मैच स्पॉन पॉइंट से स्टार्ट होगा। फिर नीचे फिल विथ बॉट्स का ऑप्शन है, जिसे सिलेक्ट करने के बाद हम गेम को बॉट के साथ टेस्ट कर सकते हैं। मैप को टेस्ट करने के बाद अगर आपको ये मैप सही लगा तो आप इसे पब्लिश कर सकते हो। मैप पब्लिश कर देने के बाद भी हम मैप में एडिट कर सकते हैं। मैं इसमें और एक आइटम डाल देता हूँ। अब एडिट हुए मैप को हमें अपडेट करना होगा, फिर जाके हमारा अपलोडेड मैप चेंज होगा। पब्लिश्ड मैप में जब आप कुछ एडिट करोगे आपको दो ऑप्शन आएगा, पब्लिश डिजाइन से आपका पुराना पब्लिश मैप आ जाएगा और सारे नए एडिट हट जाएंगे। तो आपको रिसेंटली एडिट को सिलेक्ट करना है, जिससे आपका न्यू एडिट डिलीट नहीं होगा। जब आपका मैप पूरा एडिट हो जाए तो आप अपने मैप को अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट लेसन में हम मोड टेम्पलेट्स के बारे में सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट लेसन आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।